आज की इस आइसक्रीम को खा के पापा ने भी बोला कि इसकी रेसिपी मुझे भी सिखा दो। तो हेलो मेरे यूट्यूब फैमिलीज, कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप अच्छे होंगे। तो सबसे पहले बड़ों को प्रणाम और छोटों को हाय। तो यहाँ पे आ गई हूँ मैं किचन में। दो आम रखे हुए फ्रिज में 2-3 दिनों से, तो दो आम में ना 4 बच्चों को पूरे नहीं होंगे। तो मैंने सोचा चलो इसकी कोई ऐसी रेसिपी बनाती हूँ जो 4 बच्चों को क्या हमें भी पूरा हो जाए। तो यहाँ पे लेके आ गई हूँ मैं किचन में आम। और यहाँ थोड़ा सा ये गांव है ना, तो रोज़ रोज़ आइसक्रीम नहीं आता। बच्चे वगैरह को खाने का मन होता है ना तो मार्केट जाना पड़ता है या फिर ध्यान लगाना पड़ता है कि कब इधर से आइसक्रीम वाला गुजर रहा है। तो मैंने सोचा चलो उनके मतलब वो भी खुश हो जाएंगे और जो ये दो आम रखा हुआ है ना इससे सारे लोगों को पूरा भी पड़ जाएगा। तो यहाँ पर मैंने आम ले लिया, ये 2-3 दिनों से रखा हुआ था इसलिए थोड़ा ज़्यादा और भी पक गया है। तो यहाँ पे मैंने इसको छील लिया। पहले तो मैंने नाइफ से छीला, फिर मैंने सोचा उसमें थोड़े से ना पल्प रह जा रहे थे तो फिर मैंने इसे हाथों से इस तरह से छीला ना, बिल्कुल अच्छे से ऊपर का जो छत्ता बोलते हैं, छिलका बोलते हैं, बिल्कुल अच्छे से पतला सा निकल गया। तो इस तरह से इसे कट कर लेंगे। पहले तो मैं स्टाइल से छोटे छोटे पीसेस में कट कर रही थी, फिर मैंने सोचा जैसे मन है ना आप वैसे कट कर सकते हैं। तो इस तरह से बस उसमें से ना पूरे पल्प को निकाल लेना है, यानी कि पूरे गूदे को उसमें से अलग कर लेना है अटली में से। तो यहाँ पे मैंने ना दोनों आम में से पूरे गूदे को निकाल लिया है चाकू की मदद से। आप चाहे ना तो इसको निचोड़ भी सकते हैं हाथों से, जैसे गांव वगैरह में निचोड़ते हैं। तो यहाँ पे ले लिया है मिक्सी का मैंने जार। तो ये बड़ा वाला मिक्सी है, इसमें ना ये जार सबसे छोटा यही जार है। तो इसमें मैंने ले लिया है वो जो हमने आम का पल्प निकाला ना, यानी कि पकी हुई अमिया का जो पल्प निकाला ना उसे डाल दिया है। और इसका हमें स्मूथ पेस्ट बना के तैयार कर लेना है। तो यहाँ पे लगभग 3 से 3.5 मिनट मैंने इसको लगातार चलाया और ये देखिए बिल्कुल स्मूथ सा पेस्ट बनके तैयार है। तो पेस्ट हमें बिल्कुल इसी तरह का बनाना है। अगर आपको इसका कलर हल्का लग रहा हो, अगर आपको कलर मतलब डाल के बनाना हो तो आप यहाँ पे फूड कलर का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने नहीं किया है उसका इस्तेमाल, जो भी कलर आएगा मेरे लिए नेचुरल होगा। मेरे पास जो भी इन्ग्रीडियंट्स हैं यहाँ पर मैं उसी से बना के तैयार कर रही हूँ। तो यहाँ पर ले लिया मैंने आज की मलाई, यानी दूध के ऊपर जो मलाई आती है ना, वो आपके पास अगर ज़्यादा क्वांटिटी में हो तो आप वो ले सकते हैं, या 2 दिन की हो तो आप वो ले सकते हैं। वहीं पे लिया है 1 कटोरी छोटी वाली कटोरी से दूध। और इस मलाई को और दूध को ना अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर आपकी मलाई ज़्यादा क्वांटिटी में होगी तो ये बिल्कुल क्रीम की तरह हो जाएगी। तो इसको अच्छे से थोड़ी देर तक मैंने फेंटा था, लगभग 1.5 से 2 मिनट। और यहाँ पर फिर से ले लिया है वही वाला जार जिसमें हमने आम को मतलब पीस के रखा था। तो आम उसी में है, आम के मतलब गूदे, और उसी में डाल रही हूँ ये मलाई और दूध को जो मैंने फेंट कर रखा था ना उसको उसी में डाला है। और उसी में डाल रही हूँ मैं 2 चम्मच के करीब मिल्क पाउडर। इससे ना बहुत ही क्रीमी टेक्सचर आता है। अगर आपके पास ना हो तो आप ज़्यादा क्वांटिटी में मलाई डाल सकते हैं। वहीं पर डाल रही हूँ मैं 3 चम्मच चीनी। मीठी जितनी होती है ना आइसक्रीम उतना अच्छा लगता है। तो आप चीनी की क्वांटिटी अपने हिसाब से घटा बढ़ा सकते हैं अगर आपको कम मीठा पसंद हो। तो यहाँ पे मैंने लिया है 2 इलायची। आप इसकी जगह ना इलायची पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मेरे पास नहीं थी तो मैंने डायरेक्ट 2 इलायची ही डाल दी, उसका मुँह खोल दिया था और उसके बाद उसे डाल दिया। और अब इसे फिर से हमें पीस लेना है। तो यहाँ पर लेके आ गई हूँ मैं इसे मिक्सी के पास। और इसे लगभग मैंने 3 से 4 मिनट तक लगातार चला के रखा था। और यहाँ पे जो है ना हमारे ये पेस्ट बन के बिल्कुल अच्छे से तैयार है, यानी कि बिल्कुल स्मूथ पेस्ट ना, स्मूथ बैटर जो भी कहे, बिल्कुल बन के तैयार है। क्रीम सा टेक्सचर है, देख लीजिए आप। अगर आपको इस वक्त भी आपको लग रहा है कि कलर इसमें डालना चाहिए तो आप इसमें कलर का इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि फूड कलर का। मैं नहीं डाल रही हूँ मैं, क्योंकि बिल्कुल नेचुरल बना रही हूँ। और दूसरी बात, मेरे पास है भी नहीं। तो यहाँ पे मेरे पास कप ही अवेलेबल था तो मैंने कप ही ले ली। इसमें से 1 कप ना पहले फूट रखा है इसी आइसक्रीम बनाने के चक्कर में। तो यहाँ पे मैंने 5 कप लिए हैं। और यहाँ पे मैं चम्मच से उसमें डाल रही हूँ। अब चाहे ना तो सीधी मिक्सी के जार से भी डाल सकते हैं। मैं पहले स्पून से डाल रही थी, फिर मैंने ना जार से ही डाल दिया था, इजी होता है। या फिर आप किसी ग्लास में लेके ना इसे इसमें डाल सकते हैं। और इतना इजी ये रेसिपी है ना कि बच्चे भी इस रेसिपी को ट्राई कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने ले लिया था टिफिन का एक पॉट जो अर्पित का था, जो लेके आई थी ट्रैवल में उसमें खाना, तो उसको ले लिया था। और उसमें भी जितना हुआ ना उतना मैंने बैटर डाल दिया। आप इस तरह का भी बनाएंगे ना बहुत ही क्रीमी बन के तैयार होता है, ज़रा सा भी बर्फ़ नहीं जमता। तो यहाँ पे मैंने सारे कप में अच्छे से फिल कर दिया था, थोड़ा सा कप से कम रखे क्योंकि जब ये जमता है ना तो थोड़ा सा मतलब बढ़ता है, यानी कि क्वांटिटी में थोड़ा ऊपर आ जाता है या बर्फ़ बन के थोड़ा सा ऊपर आ जाता है। तो यहाँ पर मैंने ना प्लास्टिक लिया था
जो कपड़े वगैरह का प्लास्टिक होता है ना वही लिया था, उसको अच्छे से छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया था और उसी पे लगाया है मैंने रबड़, छोटे वाला बाल वाला रबड़ आता है ना पतले पतले साइज़ का, या बच्चों के खेलने वाले खिलौने में होता है या मिठाई के डब्बे में होता है, वही लिया है उसको लगा दिया है उसको अच्छे से कप के चारों मतलब साइड आप देख रहे हो। और यहाँ पे लिया है मैंने नाइफ, नाइफ की मदद से दोनों साइड से हाथों को अच्छे से पकड़ेंगे ताकि प्लास्टिक जो है ना वो फिसले नहीं, और बीच में थोड़ा सा ऐसे ना गैप बना देंगे। और ये पे ना ये लकड़ी की स्पून को, या आप कह सकते हैं आइसक्रीम का अगर आपने डेंटी रखा हो तो वो डाल सकते हैं, अगर वो भी आपके पास ना हो तो जिस स्पून से आप खाते हैं ना उसको उल्टा करके इसमें डाल सकते हैं। हमने उसी तरह से बहुत बार बनाया क्योंकि हमारे पास जो अवेलेबल होता है ना हम उसी में काम चला लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने पांचों कप में लगा दिया था और यह आइसक्रीम स्टिक्स, और यहाँ पे मैंने पॉट को भी अच्छे से बंद कर दिया है, तो इसलिए हमने इस पर प्लास्टिक लगाया ना ताकि बर्फ ऊपर से ना जमे, अगर आप नहीं लगाएंगे तो ऊपर से ना बर्फ जम जाता है। तो इसे चलिए रख देते हैं फ्रिज में। फ्रिज जो है ना वो मेरा छोटा वाला है, तो आप ध्यान रखें कि जब भी आइसक्रीम को आप फ्रिज में रखें ना जमने के लिए तो फ्रिज का जो वो होता है ना हाई पे कर दें, 7 नंबर पे। ये नहीं कि कभी कभी होता है ना कि 1 नंबर पे होता है या रेन वाला पे होता है, सेट किया हुआ और हमें याद नहीं होता और हम उसमें जमने के लिए रख देते हैं और वो जमता नहीं है, तो आप चेक कर लें और हाईएस्ट पे कर दें। और यहाँ पे देखिए नेक्स्ट डे ना हमारा जो आइसक्रीम है कितना अच्छा जम के तैयार है। तो यहाँ पे कप में मैंने निकाला था और मुझे लगता है कि आइसक्रीम मोल से ज़्यादा अच्छा ना इसी तरह से आइसक्रीम जमता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा लिया था मैंने कटोरी में पानी, उस पे लगभग मैंने 30 से 35 सेकेंड इसको रखा था और इस तरह से देखिए कितनी आसानी से हमारा जो आइसक्रीम है ना वो निकल के मतलब बाहर आ गया था और आप देख रहे हैं कितना क्रीमी बन के तैयार हुआ है। और इसी के साथ मैं ये भी कहना चाहूँगी कि आपको पूरी वीडियो देखने के बाद अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगेगी ना और ईजी लगेगी तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। चैनल पे नए आए होंगे ना तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन पे क्लिक कर लेना ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो यहाँ पे मैंने आइसक्रीम को निकाल लिया और एक प्लेट में ना बर्फ जमा लिया था क्योंकि हमारा जो आइसक्रीम होता है ना वो जब तक पिघले ना तो उसका टेस्ट नहीं आता है क्रीमी टेक्स्चर वाला, तो ये थोड़ा पिघलने लगता है वीडियो बनाने के चक्कर में, इसलिए मैंने ना एक प्लेट में बर्फ जमा के रख लिया था और उसी में निकाल के रख रही हूँ। बच्चे बिल्कुल इंतज़ार में थे कि ये कब मिलेगा हमें खाने के लिए, और ये देखिए कितना क्रीमी क्रीमी ना हमारा ये जो आइसक्रीम है वो निकल रहा है, कितनी आसानी से निकल रहा है। मुझे लगता है कि मुझे इसी में बनाना चाहिए आइसक्रीम, मोल में बिल्कुल नहीं बनाना चाहिए क्योंकि मेरे पास वो सिंगल वाला है नहीं और बच्चों ने जो लाया था उसमें बिल्कुल अच्छे से निकल नहीं रहा था। तो ये देखिए कितना क्रीमी, आप हाथ से छूओगे ना बिल्कुल हाथ स्लिप कर रहा है, बिल्कुल भी बर्फ नहीं जमा है इसमें। तो यहाँ पे ये जो है ना कप वाले आइसक्रीम बन के तैयार है। और तो अब हम चेक कर लेते हैं अपने उस आइसक्रीम को, और पीहू देखिए बिल्कुल तैयार है कि कब मिलेगा और फटाफट से उस चक्कर में ना काम भी कर रही है, कप वगैरह को ले जाके नल के पास रख दिया था उसने। और यहाँ पे पॉट को भी इस तरह से ठोकेंगे ना क्योंकि जितनी देर में हम वो निकाल रहे थे उतनी देर में ये नीचे से थोड़ा सा ना अपने तले को छोड़ चुका था, और इस तरह से इसे कट करेंगे तो आप देख रहे होंगे कट करने से आपको पता चल रहा होगा कि इसके अंदर ज़रा सा भी बर्फ नहीं है, ये बिल्कुल क्रीमी क्रीमी सा बन के तैयार हुआ। और मैं टेस्ट का तो बता नहीं सकती, वो तो आपको मेरे खाने के बाद पता चलेगा। तो यहाँ पे देखिए इसे निकाल लिया मैंने छोटी सी कटोरी में ताकि आप भी टेस्ट कर पाए मेरे से पहले। तो यहाँ पे इस तरह से करछी से मैंने कट कर लिया था, आप चाहे तो चाकू से ही छोटे पीसेस में कट कर सकते हैं। तो यहाँ पे लीजिए मैंने टेस्ट भी कर दिया, कसम से बता रही हूँ बहुत ही स्वादिष्ट बन के तैयार हुआ था और बिल्कुल इतनी इजी थी ना बनाना, मतलब इतना इजी था ना बनाना कि मैं बता नहीं सकती हूँ, उस हिसाब से ये बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बन के तैयार हुआ था। तो लीजिए मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। और बच्चों से सुनिए कि आइसक्रीम कैसी बनी है। बहुत ही टेस्टी बना है, बहुत टेस्टी, बहुत मस्त है मम्मा, बहुत मस्त बना है, बहुत ही मस्त बनाई मम्मा।